मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में सूबे में सरकार बनने के बाद पहली बार दौरा किया। कसौली वासियों को बेहद उम्मीद थी कि पहली बार जयराम ठाकुर उनके क्षेत्र में आए हैं और उन्हें सौगातें देकर जाएंगे। उनकी उम्मीदों पर जयराम ठाकुर बिल्कुल खरे उतरे हैं। जो भी मांगे मंत्री राजीव सैजल ने उनके समक्ष रखी, वह लगभग सभी मांगे पूरी कर उपस्थित कार्यकर्ताओं और इलाका वासियों को हैरत में डाल दिया, जिसके चलते सभी बेहद खुश नजर आए। और सबसे बड़ी बात, परमाणु को उप तहसील का दर्जा भी दिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कसौली विधानसभा क्षेत्र में सूबे में सरकार बनने के बाद अपने पहले दौरे पर पहुंचे। कसौली वासियों को बेहद उम्मीद थी कि पहली बार जयराम ठाकुर उनके क्षेत्र में आए हैं तो उन्हें सौगातें जरूर मिलेगी। उनकी उम्मीदों पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिल्कुल खरे उतरे। जो भी मांग मंत्री राजीव सैजल ने उनके समक्ष रखी, वे सभी मांगे उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं और इलाका वासियों को हैरत में डाल दिया, जिसके चलते सभी बेहद खुश भी नजर आए। सबसे बड़ी बात, परमाणु को उप तहसील का दर्जा मिला। कसौली में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की गई। इसके अलावा 93 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए गए। इस मौके पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज उनके द्वारा 93 करोड़ की 9 योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए। इसके अलावा कसौली में एसडीएम कार्यालय और परमाणु को उप तहसील का दर्जा भी दिया गया। उन्होंने कहा कि परमाणु हिमाचल का प्रवेश द्वार है और औद्योगिक क्षेत्र भी है, इसलिए यहां जो भी विकास की संभावनाएं होंगी उसे जल्द पूरा किया जाएगा। लगभग 93 करोड़ के प्रोजेक्ट आज हमने शिलान्यास और उद्घाटन के यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित किए, और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे ऐसे विकास कार्य से संबंधित जो मांगे थे उनको पूरा करने के लिए आज अपनी बात की। और इस विधानसभा क्षेत्र में खासतौर से ये एक विधानसभा क्षेत्र मात्र पूरे जिले में मतलब है जिसका अपना एसडीएम का ऑफिस नहीं था, और उसको हमने आज यहाँ से घोषणा की, बहुत जल्दी उसको हम जो है उसको फंक्शनल भी कर देंगे और जिसकी जरूरत भी यहाँ पर थी। परमाणु हमारा प्रवेश द्वार है हिमाचल प्रदेश का, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, और उस दृष्टि से यहाँ और भी आने वाले समय में जहाँ इन्वेस्टमेंट की स्कोप्स होंगे, जहाँ हिमाचल प्रदेश में कोशिश करें कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आए, उस दृष्टि से भी हम आने वाले समय में विचार करें।